दिघस तहसील परिसर में यूं तो कुछ दिनों से हवाधुंध और बूंदाबांदी की आग मिचौली जा रही थी। ऐसे में सोमवार रात बरसी झमाझम बारिश से शहर तथा परिसर सराबोर हो उठा। बताया जा रहा है कि इस बेमौसम बारिश का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो किसानों की फसलों के लिए नुकसान का सबब बनेगा। इस समस्या पर परिसर के युवा किसानों ने बीसीएन से अपनी समस्या साझा की। माझ्या शेतात कालच्या अवकाळी पावसामुळे माझ्या शेतामध्ये गहू पूर्ण पांढरा पडलेला आहे, खाली पूर्ण झोपलेला आहे गहू, आणि नंतर आंब्याचा पूर्ण बहार खाली पडलेला आहे पूर्ण। तर एवढं माझं खूप नुकसान झालेलं आहे, खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे कालच्या पावसामुळं। सर बरंच काही नुकसान झालेलं आहे, लिंबू फळबाग, त्याच्यानंतर आंब्याचं, माझा गहू पूर्ण खाली पडला सर। तर बघा ना लिंबूची हालत कशी झाली सर, पूर्ण बहार खाली पडलेला आहे, असे बरच काही नुकसान झालेलं आहे सर। इन किसानों की माने तो इस बेमौसम से बारिश से गहू चना आदि सहित फल बागों का भी काफी नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौसम के बदलते मिजाज से दिग्रस शहर और परिसर के किसान सख्ते में पड़ गए हैं।